सो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम पुष्कर और आज मेरे पास जो है ना हैरिसन ब्रांड का बाहुबली बूम स्टैंड है। अनबॉक्सिंग आप ऑलरेडी देख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इस बाहुबली बूम स्टैंड का कंप्लीट सेटअप, रिव्यू एंड किस किस पर्पस के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, हम किस पर्पस के लिए इसको परचेज किए हैं। अगर आप मेरा वीडियो पहले से देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि मेरा जो मैक्सिमम वीडियोज रहता है या फिर मेरे वीडियोज में जो मैक्सिमम क्लिप रहता है ना, वो ओवर द टॉप शूट किया हुआ रहता है या फिर टेबल टॉप शूट किया रहता है, मतलब कि ऊपर से कैमरा लगा रहता है एंड टेबल पे जो भी प्रोसेस हो रहा होता है उसको हम रिकॉर्ड करके आपके साथ वीडियोस के थ्रू शेयर करते हैं। एंड रिसेंटली जो है ना, हम एक फोन से मिररलेस कैमरा पे अपग्रेड किए हैं। पहले जब हम फोन से ओवर द टॉप वीडियोस रिकॉर्ड करते थे तो उस समय हम डिजिटेक का DTR 520 BH करके एक ट्राइपॉड आता है जिसपे अभी मेरा कैमरा लगा हुआ है एंड उसी से हम ओवर द टॉप वाला जो शॉट है वो कैप्चर करते थे। बट सेम ट्राइपॉड पे कैमरा को माउंट करके जो टेबल टॉप शॉट है ना, वो उतने अच्छे से कैप्चर नहीं हो पा रहा था, बिकॉज आपको ओवर द टॉप वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए जो है ना, इस तरीके से आपका ट्राइपॉड रहता है एंड इस जगह पे जो है ना, आपको कैमरा को माउंट करना पड़ता है। तो ये जो लेंथ है ना, ये आपको किसी भी ट्राइपॉड में जो है ना, इतना लंबा नहीं मिलेगा। और ये जो बूम स्टैंड है, इसमें ये जो लेंथ है, इसको आप और भी ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं, कैसे वो हम आपको वीडियो में आगे दिखाएंगे। बट कोई भी ट्राइपॉड आप यूज कीजिएगा ना, जिससे आप टेबल टॉप शॉट कैप्चर कर सकते हैं, उसमें ये जो लेंथ रहता है ना, ये लेंथ आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलता है, जिसके कारण आपको टेबल टॉप शॉट लेने में प्रॉब्लम आएगा। और अगर आप डुअल कैमरा सेटअप का यूज़ करते हैं, जैसे कि फ्रंट कैमरा से आपका फेस भी रिकॉर्ड हो रहा है एंड उसके बाद आपको टेबल टॉप शॉट भी साथ के साथ कैप्चर करना है, तो उस कंडीशन में अगर आप किसी ट्राइपॉड को यूज़ करते हैं तो जो ट्राइपॉड का हाइट एडजस्टमेंट होता है या फिर ये जो आर्म एडजस्टमेंट होता है ना, इसके कारण आपको वीडियोस रिकॉर्ड करने में प्रॉब्लम होगा। तो कैमरा का यूज़ करके टेबल टॉप वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए जो बेस्ट टाइप का ट्राइपॉड बताया जाता है वो होता है सी स्टैंड। एंड सी स्टैंड का जो प्राइस होता है ना, अगर आप अच्छे ब्रांड के सी स्टैंड के साथ जाते हैं तो वो आपको 10,000 रुपीज से लेके 17,000-20,000 तक पड़ेगा। एंड इस हैरिसन के बाहुबली स्टैंड को जो है ना, हम पिछले ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने से यूज कर रहे हैं एंड ये जो है ना, हमको बेस्ट अल्टरनेटिव लगा, चीप एंड बेस्ट अल्टरनेटिव लगा सी स्टैंड का। ये आपको लेस देन 5,000 रुपीज में मिल जाता है एंड इसमें आपको जो है ना, दो यूनिट मिलता है। एक आपका ये बूम कॉलम है जिसको आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं एंड एक आपका ये बेस स्ट्रक्चर है एंड ये काफी हैवी है, कम्प्लीटली आपको मेटल बिल्ड में देखने के लिए मिलता है। कुछ कुछ जगहों पे जो लिवर्स है ना, वहाँ पे प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, जो हम आपको दिखाएंगे कहाँ कहाँ पे प्लास्टिक है। बाकी ये जो कम्प्लीट बूम कॉलम है, जो भी आपको ब्लैक रॉड्स दिख रहा है ना, बेस स्ट्रक्चर में एज वेल एज बूम कॉलम में, कम्प्लीटली मेटल बिल्ड में आपको मिलता है। एंड हम इसको अमेजोन से जो है ना, 4,700 रुपीज़ के अराउंड परचेज किए थे एंड कुछ इस तरीके के बॉक्स में ये हमको डिलीवर हुआ था। इस बॉक्स में जो है ना, आपको एक और इस तरीके का ब्लैक कैरी पाउच मिल जाता है, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा सा है एंड काफ़ी अच्छे क्वालिटी का जिपर मिल जाता है। बैग का क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है, अगर आपको इसको कैरी करना पड़ गया कभी तो आप डेफिनेटली इस बैग में इजीली इसको कैरी कर सकते हैं। सी स्टैंड का एक चीप एंड बेस्ट अल्टरनेटिव है, बट इससे भी ज़्यादा प्राउड का बात यह है कि ये एक कम्प्लीटली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। इंडिया में अमृतसर बेस्ड एक कंपनी है, हरी सिंह एंड सन्स, वही लोग ये प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर करते हैं एंड हरी सिंह एंड सन्स को ही अगर आप शॉर्ट करेंगे ना, तो वो हैरिसन हो जाता है। बाकी इस तरीके का जो है ना, आपको 2 पेज का एक यूज़र मैनुअल मिल जाता है जिसमें अलग अलग तरीके से आपको बताया गया है कि किस तरीके से आप इसको सेटअप कर सकते हैं एंड किस किस पर्पस के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। एंड एक आपको इस तरीके का सैंड बैग मिल जाता है काउंटरवेट अप्लाई करने के लिए, कहाँ पे इसको यूज करना है वो हम आपको वीडियो में आगे दिखा देंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से इस बेस स्ट्रक्चर में इस बूम कॉलम को लगाना है, बट उससे पहले जो है ना, एक बार यहाँ पे बेस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बेस स्ट्रक्चर नीचे से कुछ इस तरीके के बेस के साथ आता है। यहाँ पे आपको जो है ना, एक फ्लिप लॉक मिलता है। इस फ्लिप लॉक को ओपन करके जो है ना, आप इस बेस को कितना वाइड करना चाहते हैं या लेंथ का एक बेसिक एडजस्टमेंट जो है वो आप इस फ्लिप लॉक से कर सकते हैं। इस फ्लिप लॉक के ऊपर आपको एक और फ्लिप लॉक मिलता है एंड इस फ्लिप लॉक को ओपन करके जो है ना, आप यहाँ पे ये जो रॉड मिलता है इसके थ्रू इसके हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं एंड इसका हाइट आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम आप इतना पे एडजस्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप इसको छोड़ देंगे ना, तो यहाँ पे एक एयर पुश वाला मैकेनिज्म मिलता है, मतलब कि ये धीरे धीरे जो है ना नीचे जाएगा और आपको एक साउंड भी सुनाई दे रहा होगा। तो इन केस अगर आप हैवी लाइट या अपना हैवी कैमरा जो है इसके ऊपर माउंट किए हैं एंड अगर आप इंस्टेंटली जो है ना इस फ्लिप लॉक को ओपन करते हैं ना, तो झटके से ये बंद नहीं होगा, धीरे धीरे इस तरीके से एयर पुश मैकेनिज्म आपको देखने के लिए मिलता है जिसके कारण ये धीरे धीरे बंद होगा या धीरे धीरे नीचे जाएगा।
अब इस बेस स्ट्रक्चर के टॉप पे जो है ना आपको पूरा एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आप देख सकते हैं एक रैचेट जो है ना इस साइड है और एक रैचेट जो है वो इस साइड है, जिसके थ्रू जो है ना आप इस टिल्टिंग क्लैंप को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हम इसको ढीला करते हैं तो यहाँ पे टिल्टिंग क्लैंप जो है ना इस तरीके से रोटेट होगा, तो इस तरीके से जो है ना आप रैचेट का यूज़ करके टाइट और ढीला कर सकते हैं यहाँ पे। अब सबसे पहले ये जो बूम कॉलम मिलता है ना, इसको हम इस बेस स्ट्रक्चर में लगा लेते हैं। लगाने के लिए जो है ना यहाँ पे आपको बूम कॉलम में जो हुक वाला साइड है, जिसमें आपको दो हेड मिलेगा, उस हेड को जो है ना आपको नायलॉन ग्रिप वाले होल में एडजस्ट करके जस्ट इस तरीके से प्रेस करना है। एंड यहाँ पे जो है ना आपको इस रैचेट को ढीला कर लेना है, एंड उसके बाद आप इस तरीके से पुश करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ना इसमें लग चुका है। एंड साथ ही में ये जो दूसरा रैचेट है जिससे आप इस टिल्टिंग क्लैंप को एडजस्ट कर सकते हैं, उसको भी आप ढीला कर लीजिएगा। एंड उसके बाद जो है ना आप इस तरीके से इसको रोटेट कर सकते हैं या इस तरीके से इसको टिल्ट कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, बिकॉज बहुत लंबा है तो फ्रेम में कवर कर पाने में हमको थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, बट आई होप हम आपको यहाँ पे समझा पा रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पे जो बूम कॉलम के लिए आपको रैचेट मिलता है, इस रैचेट के थ्रू जो है ना आप यहाँ पे बूम कॉलम को टाइट कर लीजिएगा। एंड उसके बाद इस टिल्टिंग क्लैंप के लिए जो आपको रैचेट मिलता है, जिस एंगल पे भी आपको इस बूम कॉलम को रखना है उसके ऊपर रख के जो है ना आप इस रैचेट के मदद से जो है ना इसको टाइट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो बूम स्टैंड है ये टॉप हेड शॉट लेने के लिए या टेबल टॉप शॉट लेने के लिए रेडी हो चुका है। यहाँ पे हम कैमरा माउंट कर सकते हैं या फिर अगर आपको लाइट माउंट करना है तो आप लाइट माउंट कर सकते हैं। लाइट माउंट करने के लिए अगर आप एक एंगल पे यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है ना आप इस टिल्टिंग क्लैंप वाले रैचेट को ढीला करके इसको जो है ना एक एंगल पे भी इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। एंड उसके बाद आप यहाँ से अगर इसको टाइट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एंगल पे ये सेट हो जाता है। अब ये जो बूम कॉलम मिलता है ना, इसमें भी आपको एक्सटेंशन का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे आपको एक अगेन फ्लिप लॉक मिलता है बूम कॉलम में। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ से जो सेकेंड रॉड है इस बूम कॉलम के अंदर, वो आप देख सकते हैं इस तरीके से आप एक्सटेंड कर सकते हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लेंथ आपको मिल जाएगा, काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये आर्म लेंथ मिल जाएगा। एंड इतने लंबे आर्म लेंथ का यूज़ करके आप इसके ऊपर अगर कोई ग्रीन स्क्रीन लगाना चाहते हैं तो ग्रीन स्क्रीन लगा के एज अ बैकग्राउंड भी आप यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा लंबा आर्म लेंथ यूज़ करते हैं या फिर अगर आप कुछ भी हैवी माउंट करते हैं, लाइक कोई हैवी DSLR कैमरा या हैवी मिररलेस कैमरा माउंट करते हैं या कोई हैवी लाइट माउंट करते हैं ना, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि आपका ये जो बूम आर्म है ना इस तरीके से अनस्टेबल हो सकता है अगर यहाँ पे कुछ हैवी लोड रहेगा तो। एंड इसी को स्टेबल रखने के लिए जो है ना आपको इस तरीके का एक सैंड बैग मिल जाता है, आप इसमें कुछ भी वेट डाल सकते हैं। इसमें आपको जो है ना दो पॉकेट मिल जाएगा दोनों साइड में, तो दोनों पॉकेट में आप सैंड फिल कर सकते हैं या फिर कुछ भी हैवी वेट जो है वो लगा सकते हैं। एंड इसमें जो है ना आपको एक इस तरीके का हुक मिलता है, इस हुक को जो है ना आप यहाँ पे लगा देंगे तो आपका जो ये बूम आर्म है ना या जो ये कंप्लीट स्टैंड है ना वो बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा अगर आप इधर कुछ हैवी वेट अप्लाई करते हैं तो भी। अब नेक्स्ट यहाँ पे ये जो बूम कॉलम है ना, इसमें भी कुछ है जो हम आपको दिखाना चाहेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्लिप लॉक को हम ओपन कर लिए एंड यहाँ से जो है ना बूम कॉलम को बाहर निकालते हैं। जब आप बूम कॉलम को बाहर निकालिएगा ना तो इस बूम कॉलम पे जो है ना आपको एक एरो दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से एक एरो बनाया हुआ है, तो इस एरो एंड इस लाइन को जो है ना आपको यहाँ पे फ्लिप लॉक के पास लाके इस तरीके से जो है ना अलाइन कर लेना है। एंड यहाँ पे अगर हम इस एक्सटेंशन ट्यूब को ट्यूब टू बोलें एंड यहाँ पे ये जो मेन है इसको ट्यूब वन बोले, तो आपको ट्यूब वन में जो है ना एक इस तरीके से होल दिखेगा। इस होल के पास जाके अगर आप ट्यूब टू को रोटेट करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको इस ट्यूब वन के होल में जो है ना ट्यूब टू का एक होल अलाइन होता हुआ दिखेगा, जिसमें जो है ना आपको एक स्क्रू लगाने का जगह दिखेगा। तो यहाँ पे आप एक स्क्रू लगा के जो है ना ट्यूब वन को एंड ट्यूब टू को इस पोजीशन में ले जाके जो है ना लॉक कर सकते हैं। एंड ये स्क्रू जो है ना यहाँ पे आपको लगा हुआ मिल जाता है, तो यहाँ से इस स्क्रू को आपको निकाल लेना है। एंड इस तरीके से आपको ये ब्लैक स्क्रू मिलता है, तो यहाँ पे आई होप आपको अंदर में दिख रहा होगा कि एक स्क्रू लगाने का जगह दिख रहा है। तो यहाँ पे जो है ना सिंपली आपको इस ब्लैक वाले स्क्रू को इस तरीके से लगा देना है, ताकि आपका ये जो ट्यूब वन है ना ये इस ट्यूब टू के साथ प्रॉपरली एक पोजीशन में जाके लॉक हो जाए। अब नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम इसके हाइट एडजस्टमेंट का बात करें, तो यहाँ पे आपको जो बेस स्ट्रक्चर में दो फ्लिप लॉक मिलता है,
इसके थ्रू भी आप इसके हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो सबसे नीचे वाला फ्लिप लॉक था ना, इसके थ्रू हम इसके हाइट को एडजस्ट किए हैं एंड यहाँ पे जो है ना, इससे आप कुछ इतना हाइट तक लेके जा सकते हैं। अब ये जो सेकंड फ्लिप लॉक मिलता है, इसको अगर हम ओपन करें एंड इसके हाइट को अगर हम एक्सटेंड करें, तो ये इतना हाइट हो जा रहा है कि कैमरा के फ्रेम में कवर नहीं होगा। ईजिली आपके घर में अगर सीलिंग फैन लगा है ना, तो उसको टच कर जाएगा ये, मतलब बहुत ज़्यादा हाइट हो जाता है। मोर देन सफिशियंट आपको हाइट इसमें एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। एंड अगर हम इसको खोल के छोड़ दिए हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एयर पुश वाला मैकेनिज्म है वो आपको देखने के लिए मिलता है, तो झटके से ये बंद नहीं होता है। अब ये जो बूम कॉलम मिलता है ना, इसके एज पे आप देख सकते हैं कि क्वार्टर इंच का आपको स्क्रू या थ्रेड मिलता है, जिसमें आप डायरेक्टली कैमरा लगा सकते हैं, डायरेक्टली मोबाइल होल्डर लगा के अगर आपको मोबाइल से टेबल टॉप शॉट कैप्चर करना है तो वो लगा सकते हैं, या फिर आप लाइट लगा सकते हैं, माइक लगा सकते हैं। तो इस क्वार्टर इंच के थ्रेड में अगर आप मोबाइल होल्डर के थ्रू अपना मोबाइल फ़ोन लगा के अगर आप कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, या फिर डायरेक्टली कोई मिररलेस या DSLR कैमरा लगाते हैं ना, तो आपको सारे टाइप के एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो इसके ऊपर जो है ना, आपको एक बॉल हेड जो है वो लगाना पड़ेगा। अगर आप अपना एक्सपेंसिव कैमरा इस बूम स्टैंड पे यूज़ करने जा रहे हैं, तो हम आपको रेकमेंड करेंगे कि एक अच्छे क्वालिटी का, अच्छे ब्रांड का एक बॉल हेड जो है वो परचेज़ कर लीजिएगा। मेरे पास यहाँ पे ये हिफिन ब्रांड का एक बॉल हेड है, जो कि इस बूम स्टैंड को परचेज़ करने के बाद ही हम परचेज़ किए हैं। एंड इस बॉल हेड के थ्रू जो है ना, हम अपने मोबाइल होल्डर को भी इसमें लगा सकते हैं, या फिर डायरेक्टली अपना कैमरा लगा सकते हैं, एंड कंप्लीट एडजस्टमेंट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। 90 डिग्री तक आप टिल्ट कर सकते हैं, सारा कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। एंड इस बॉल हेड को लगाने के लिए जो है ना, आपको एक अडेप्टर का रिक्वायरमेंट होगा। तो अगर आप ये बॉल हेड परचेज करते हैं, तो इसका लिंक भी हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। इसके साथ जो है ना, आपको एक इस तरीके का अडेप्टर मिल जाता है। इस अडेप्टर को जो है ना, आपको इस बूम कॉलम के एज पे लगाना होगा। उसके बाद इजिली जो है ना, आप इस बॉल हेड को या किसी भी और बॉल हेड को जो है ना, इस बूम कॉलम पे इस तरीके से रोटेट करके लगा सकते हैं। एक बार जब ये लग जाएगा ना, उसके बाद आपको इसमें कंप्लीट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है। अलग अलग नॉब्स आपको यहाँ पे मिल जाता है, जिससे आप जो है ना, इसके टिल्ट को एडजस्ट कर सकते हैं, इसके बॉल हेड को एडजस्ट कर सकते हैं, एंड डायरेक्टली आप इस पर कैमरा माउंट करके टेबल टॉप शॉट्स जो है वो कैप्चर कर सकते हैं। एंड ये कंप्लीट बूम स्टैंड विथ बॉल हेड जो है ना, वो आपको 7000 से कम में हो जाएगा। अगर आप कोई बेसिक सा सी स्टैंड भी परचेज करने जाएंगे ना, तो वो आपको 9000 प्लस में ही मिलेगा, और उसके साथ भी जो है ना, आपको इस तरीके का बॉल हेड जो है वो परचेज करना ही पड़ेगा। तो आपको जो टोटल कॉस्ट है वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो उस हिसाब से जो है ना, ये बाहुबली का बूम स्टैंड जो है ना, वो एक वैल्यू फॉर मनी अल्टरनेटिव है सी स्टैंड का। एंड आपको बिल्ड क्वालिटी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता है, काफ़ी अच्छा मेटल बिल्ड क्वालिटी आपको इसमें मिल जाता है। एंड एडजस्टमेंट में भी आपको कोई टेंशन नहीं होगा, बहुत ज़्यादा हाइट एडजस्टमेंट का भी आपको ऑप्शन मिलता है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, टिल्टिंग क्लैंप में जो है ना, इस तरीके से लाइंस बनाया हुआ है, ताकि आप अलग अलग एंगल पे इसको लॉक कर पाएं इजीली। सो मेनली इस बूम स्टैंड को जो है ना, हम इसी पर्पज़ के लिए परचेज़ किए थे। एंड कोई भी ट्राईपॉड में जो है ना, इतना आर्म लेंथ आपको नहीं मिलेगा कि आपका जो कैमरा है ना, वो आपके टेबल के बिल्कुल सेंटर में टॉप पे आ पाए। एंड अगर आप इस बूम स्टैंड के आगे जो है ना, बॉल हेड अडेप्टर लगा लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल आपको फ्रीडम मिल जाता है कि आप किसी भी एंगल पे मूव कर सकते हैं, अपने कैमरे को सेट कर सकते हैं। एंड उसके बाद जो है ना, आप वीडियोज़ जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं इस तरीके से टेबल टॉप। यहाँ पे आपको जो है ना, रोटेट करने का पूरा ऑप्शंस जो है वो इस अडाप्टर में मिल जाता है। एंड जिस तरीके से लास्ट जो नेक बैंड कंपैरिजन वाला वीडियो था ना, उसमें फ्रंट से मेरा फेस कैम भी रिकॉर्ड हो रहा था एंड टेबल टॉप वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा था। एंड उसमें आप देखे होंगे कि कोई फ्रेम में आपको जो है ना, कोई भी ये बूम स्टैंड का आर्म जो है वो आपको नहीं दिख रहा था, या कैमरा जो है वो आपको नहीं दिख रहा था। तो उसके लिए सिंपली जो आपको ये फ्लिप लॉक मिलता है ना, इसको ओपन करना है। एंड इस तरीके से अगर हम इसकी हाइट को इंक्रीज कर देते हैं, तो अब जो है ना, फ्रेम में से ये बूम स्टैंड एंड जो कैमरा है ना, वो गायब हो जाएगा, और टेबल टॉप वीडियो भी रिकॉर्ड होता रहेगा, और फेस कैम वीडियो भी इस तरीके से रिकॉर्ड हो जाएगा। और जो आपको हम बताए थे कि एयर कुशन वाला इसमें जो टेक्नोलॉजी मिलता है, या एयर कुशन वाला जो आपको इसमें फंक्शन मिल जाता है, कि अगर आप गलती से इस फ्लिप लॉक को ओपन कर देते हैं ना, तो अचानक से आपका कैमरा जो है वो नीचे नहीं गिरेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिल्कुल धीरे धीरे ये गिरता है। सो फ्रेंड्स, यही था हैरिसन का बाहुबली बूम स्टैंड। अगर आप भी टेबल टॉप वीडियोस रिकॉर्ड करना चाहते हैं, सी स्टैंड पे इन्वेस्ट करने जितना आपका बजट नहीं है, लाइक गोडॉक्स का जो सी स्टैंड आता है ना, वो 16-17,000 रुपीज़ का आता है। तो उतना अगर आपका बजट नहीं है, तो आप जो है ना, ईजिली 7,000 रुपीज़ में
ये पूरा सेटअप कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें आपका एक बॉल हेड भी आ जाएगा। तो हम इस बाहुबली बूम स्टैंड का एंड जो बॉल हेड हम Amazon से परचेज किए, इन दोनों का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज बिल्कुल फ्री है। इस बाहुबली बूम स्टैंड के रिगार्डिंग कोई भी आपका डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लिमिट में कीजिए। देखने के लिए आपका धन्यवाद।